नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम भाग के बारे में, और ये अंतिम भाग होगा भौतिक विज्ञान से, और ये सभी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक में से। आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार से है, ब्रह्मांड विविध। विविध में हम डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक उपकरण के आविष्कारक, माप तोल के विभिन्न मात्रक, और इससे पिछले वीडियो में हमने क्या क्या कवर करा है। उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप वॉच करिए लुसेंट वीडियो जीके बुक की प्लेलिस्ट को। जी हाँ, अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने कवर करा है कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करा है इस बुक में, कंप्लीट ज्योग्राफी हमने वीडियो सब कम्प्लीट कर चुके हैं हम लोग, कम्प्लीट बायोलॉजी अर्थव्यवस्था बहुत सारे वीडियो अब हम कम्प्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखने से पहले मैं आपके सामने एक कंडीशन अप्लाई करूंगा कि इस बुक को आप या तो किसी मार्केट में जाकर के परचेस कर लीजिए इस बुक को, अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। अगर आप अमेजन में शॉपिंग वगैरह करते हैं, फ्लिपकार्ट में करते हैं, तो वहाँ पर ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको लिंक डायरेक्ट प्राप्त करना है कि मैं सीधे लिंक पर क्लिक करूँ, सीधे इस बुक को परचेस करूँ, तो ऐसा करने के लिए आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। उस पर क्लिक आप जैसे ही करते हैं वहाँ पे आपको एक बुक परचेज करने का लिंक मिलेगा, लुसेंट बुक परचेज लिंक ऐसे समथिंग मैं कुछ लिखूंगा उसमें। तो आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस आई थिंक 130-120 रुपीज़ है ऑनलाइन में, तो आप देख लेना जैसे भी आपको सुटेबल लगता है वैसे। लेकिन कोई भी वीडियो देखते समय आपके हाथ में ये बुक होनी चाहिए और आपके हाथ में हाईलाइटर होना कंपलसरी है। अगर आप ये सभी काम करते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, तो डैम श्योर आपका जो जीएस के साथ जो 36 का आंकड़ा है वो कम पक्का होगा। 36 के आंकड़े को कम करिए, बहुत कम करिए, जितने जल्दी इस आंकड़े को कम करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विज्ञान क्या होता है? एक्चुअली कॉस्मोलॉजी में जो होता है वो होता है ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन। थोड़ा सा हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं ये पूछ सकता है आपसे। तो ये कहते हैं कॉस्मोलॉजी। आपके एग्जाम में आपको ब्रह्मांड विज्ञान नहीं देगा, आपको आपके एग्जाम में देगा कॉस्मोलॉजी, राइट। तो आपको कॉस्मोलॉजी ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब मतलब 10^11 मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने होते हैं स्टार? 100 अरब। और इस प्रकार तारों की कुल संख्या कितनी होगी? 10^22 कोटि की होगी। तो अप्रोक्स इतना निकाला गया है। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत काम करता है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछता है हमेशा। तो ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और बाकी के पॉइंट देखिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं बुक में से अपनी डायरेक्ट, ऊपर आपने बुक कर रखी होगी तो आप डायरेक्ट ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, आपको जो भी पॉइंट लगता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है आपको इतना तो कम से कम इस बुक में पढ़ना ही चाहिए एग्जाम देने से पहले। देखिए, मंदाकिनी की विशालता के कारण इसको क्या बोलते हैं? अगर मंदाकिनी बहुत सारी है तो इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप ब्रह्मांड। अब देखिए, हमारी मंदाकिनी क्या होती है, हमारी जो मंदाकिनी होती है तो उसमें मिल्क वे या आकाश गंगा और इसकी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी होती है देवयानी। क्या? देवयानी सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियाँ दूसरी मंदाकिनियों से प्राय काफ़ी बड़ी होती हैं, याद रखना। वो क्या होती हैं, वो जो मंदाकिनी होती है ये होती है बड़ी। अब हम बात करते हैं दुग्ध मखेला या दुग्ध मेखला। देखिए, हमारा सौरमंडल क्या होता है, दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का एक मेंबर है, एक सदस्य होता है। लेकिन इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास लगभग होता है
10 की पावर 5 प्रकाश वर्ष। आपसे यही व्यास पूछता है, आपसे डायमीटर पूछता है, इसका क्या है? तो इसका व्यास होता है 10 की पावर 5 प्रकाश वर्ष, याद रखना प्रकाश वर्ष। अब देखिए क्या होता है, यदि आकाश बिल्कुल साफ दिखाई दे तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफेद तारों की चौड़ी सी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है। चौड़ी सी पट्टी आपको दिखाई देगी जो क्या होती है, जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी होती है, और अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कि रिवर बह रही हो। यह आकाश गंगा कहलाती है। अब हम बात करते हैं तारामंडल। तारामंडल क्या होते हैं? तो पृथ्वी से देखने पर तारों का एक समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना करी और उनको विशिष्ट नाम दिया, जैसे बृहत सप्तऋषि मंडल, लघु सप्तऋषि, मृग, सिग्नस या फिर हाइड्रा। तो सबके एक नाम रखे गए और तारों के किसी एक समूह को हम कहते हैं तारामंडल। अब देखिए आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? मोस्ट एमपी क्वेश्चंस टोटल हैं 89। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ये है सेंटोरस, और ये 94 तारों से मिलकर बनता है। और हाइड्रा में कम से कम कितने तारे हैं? हाइड्रा में कम से कम है आपके 68। हाइड्रा में 68 है, सेंटोरस में है 94, याद रखना। और आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? ये हैं आपके 89। अब देखिए बृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया अनेक तारों से मिलकर ये बनता है तारामंडल, जिसमें 7 क्या होते हैं? सर्वाधिक चमकदार तारे होते हैं जो आसानी से दिखाई पड़ते हैं। ये आपने आसमान में देखे भी होंगे सप्तऋषि 7 तारे, आसानी से हम इसको देख सकते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः बृहत सप्तऋषि या बिग डीपर कहलाता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि बृहत सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 7। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मैक्सिमम चमकदार जो तारे होते हैं वो होते हैं 7। अब हम बात करते हैं तारों के बारे में कि तारे ऐसे खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं, अतः सूर्य भी एक क्या है? तारा होता है। और भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन होती है, 28% हीलियम होती है, 1.5 कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5% होता है लोहा तथा अन्य भारी तत्व। तो आपसे एग्जाम में देखिए अन्य अन्य के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन आपसे ये पूछता है कि तारों में कितना परसेंट हाइड्रोजन पाया जाता है। तारों में 70% कम से कम हाइड्रोजन होता है। अब देखिए तीन रंग के होते हैं क्या? जो तारे होते हैं एक्चुअली तारे एग्जैक्ट जो होते हैं वो तीन रंग के होते हैं, थोड़ा लाल, सफेद और नीला टाइप का। तारों का जो रंग होता है पृष्ठ ताप पर डिपेंड करता है, पृष्ठ ताप जितना होगा, पृष्ठ ताप पर जो होता है हमारा उसी पर डिपेंड होता है उसका कलर, ठीक है। अब देखिए तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत कम होगा, निम्न होता है, वो होते हैं तारे लाल रंग के, ठीक है, लाल रंग के। हाई टेम्परेचर वाला इसका होगा पृष्ठ ताप, तो उसका होगा आपका सफेद, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक ऊंचा होता है तो उनका रंग कैसा होगा? नीला, रेड, वाइट, ब्लू। ये आप लिख लीजिए अपनी बुक में इसी तरह से, और वहाँ पे आप लिखें रेड के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड जो तारे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो तारों का जो ताप होता है वो कैसा होता है, वो होता है अपेक्षाकृत निम्न। तो इस तरह से आप उसमें लिखिए नीचे और आराम से देखना उसको। अब हम बात करते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी, यह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा होता है और पृथ्वी से इसकी दूरी होती है कितने प्रकाश वर्ष? 4.22 प्रकाश वर्ष। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इतनी सब स्किप करवा रहा हूँ, मजा नहीं है, बेकार है, तो आप ठीक है ढेर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ढेर को अगर आप याद भी करते हैं तो उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। अगर आपकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है, आपको एक एक लाइन पढ़नी है, हर चीज़ पढ़नी है, आप अगर ये मानते हैं कि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, लेकिन मैं मैक्सिमम अपने वीडियो में कुछ ना कुछ स्किप जरूर करवाता हूँ।
अगर आपको ये चीज़ अजीब लग रही हो कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता था, अगर आप मैक्सिमम पढ़ने पे बिलीव करते हैं, आप क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, बट मेरा मैक्सिमम वीडियो डिपेंड करता है क्वालिटी पर, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी पे फेथ करते हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी पे फेथ करते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। कोई बाउंडेशन नहीं है, देखिए डिसीजन आपका होगा कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है। हम बस केवल गाइडेंस ही दे सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है, इस बुक में से क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना कब कब रिवाइज करना है। अब देखिए, तारे के जीवन का अंतिम चरण क्या होता है? अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा क्या होगा? लाल रक्त दानव बन जाता है, प्रवेश करता है ऐसी कंडीशन में, और इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ स्थितियाँ दो उत्पन्न होती हैं। स्थितियाँ वगैरह क्या उत्पन्न होती है ये आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखिए कि पहले भाग में तारा क्या होता है। तारा लाल दानव प्रावस्था में प्रवेश करता है। तो एग्जाम में ये पूछता है कि तारा जो होता है लाल दानव प्रावस्था में कब प्रवेश करता है? तो ये करता है जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रक्त दानव प्रावस्था क्या होती है। देखिए, आरंभ में तारों में मुख्यतः क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, और समय बिताने के साथ साथ समय बीतने के साथ साथ हाइड्रोजन जो होता है केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन होगा, अभिक्रिया बंद हो जाएगी। क्रोड में जो संलयन अभिक्रिया होती है वो पूरी तरह से वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, पॉज हो जाएगी, और संलयन अभिक्रिया के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगी, लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती है। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है, और पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन हो जाता है, ठीक है। बहुत देखिए डिटेल है इसकी, इसको आप आराम से बुक में पढ़ सकते हैं। एग्जाम में केवल यही आएगा कि आरंभ में तारों में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हाइड्रोजन। अब देखिए ब्लैक होल क्या होता है? देखिए, न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो जाता है, और इसी क्रम में क्या होता है, जब एम द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या आर बराबर इतनी बन जाती है तो प्राप्त कर लेता है, तब वह कृष्ण छिद्र बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम बात करते हैं विभेद के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? विभेद के बारे में, कि विभेद में से क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। विभेद में एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, वैज्ञानिक उपकरण है, किस उपकरण का क्या नाम है, देखिए इतने सारे हैं। अभी बात करेंगे नीचे कितने सारे हैं, लेकिन मैं बात करूँ कि इम्पोर्टेंट देखो एरोमीटर जो यंत्र होता है इससे क्या होता है, इस उपकरण का प्रयोग किस लिए करा जाता है, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा। तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए, मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एरोमीटर का यूज करा जाता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर, ऑल्टीमीटर। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। जैसे आप आसमान में देखते हैं कि एक वायुमान उड़ रहा है, एरोप्लेन अगर आसमान में उड़ रहा है तो आपको लगता है बहुत ऊंचा है, लेकिन ऑल्टीमीटर से क्या होता है कि इस ऑल्टीमीटर से क्या होता है कि एग्जैक्ट वो कितनी हाइट में उड़ रहा है ये मेजरमेंट करा जाता है अल्टीमीटर से। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब है आपका आमीटर। आमीटर और अल्टीमीटर में आप दोनों को मैं कंफ्यूज मत होना, अधिकतर बच्चे मैं देखता हूँ कि ये दोनों चीजें मर्ज कर देते हैं। एग्जाम में पूछता है फोर नंबर, बच्चे राइट आंसर आगे आते हैं थ्री का, वो राइट का रॉन्ग हो जाता है बाद में। अब देखिए आमीटर क्या होता है, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और फिर हम बात करते हैं बैरोग्राफ। बैरोग्राफ होता है कि इसके द्वारा वायुमंडल में दाब मापने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, और यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई पावर मतलब शक्ति को
मापने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए, और गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर इसकी सहायता से वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है, वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है वो किससे नापी जाती है, वो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज होता है कि इसका प्रयोग बारीक तारों का कितना रेडियस है ये नापा जाता है। इससे जो तारे होते हैं तारों का रेडियस कितना है वो किससे नापा जाता है, वो नापा जाता है स्क्रू गेज से। अब देखिए रडार, रडार क्या करता है, यह यंत्र अंतरिक्ष में जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रेन गेज, रेन का मतलब वर्षा। अब इसका क्या होता है, वर्षा नापने के लिए कितनी वर्षा हुई वहां पर, हम वर्षा किस नापते हैं, वर्षा हम जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं सेंटीमीटर में। तो ये सब जो वर्षा नापी जाती है वो नापी जाती है रेन गेज के माध्यम से। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्टार्टिंग, ये सभी एक्चुअली उपकरण है, ये टूल्स हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो स्पीडोमीटर से स्पीड किसकी, कार की, ट्रक की, वाहनों की आदि होती है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। अब हम बात करते हैं टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है, यह वायुवाहन तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला एक उपकरण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी पॉइंट जो हाईलाइट करे जा रहे हैं, तो ये सभी पॉइंट जो हाईलाइट हो रहे हैं, ये आपके ग्रेड डी का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए ये है, और साथ में अगर आप SSC सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सभी हैं, और जो स्टेट PCS का GS पेपर 1 देते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये मेंस में आपके काम नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में इतना काम नहीं आएगा, इतना अगर बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन GS पेपर 1 में पक्का डैम श्योर आएगा। स्टेट PCS चाहे आप उत्तराखंड PCS एग्जाम देते हो, बाकी जो UPSI, MPSI, कॉन्स्टेबल वगैरह जो भी ग्रेड डी के एग्जाम होते हैं, मतलब PO के जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये पक्का काम आएगा, इतना आपको याद होना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अभी आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद में आपने इस वीडियो को कभी नहीं देखा, या बुक की तरफ उठा के बुक की तरफ कभी झाँका भी नहीं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो रिविजन जरूर करना है। उसके बाद में पायलट कर रहे हैं बुक का, तो देखिए विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक कौन कौन थे। देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने करा था, तो ये करा था चार्ल्स बेबेज ने, और घड़ी का आविष्कार किसने करा था, आई सिंह या लियांग सैन ने। घड़ी जो पेंडुलम थी उसका आविष्कार करा था क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। डायनेमो, डायनेमो कई बार पूछा आपसे एग्जाम में, तो ये तो अभी आप याद कर लीजिए इसको तुरंत, है तो इम्पोर्टेंट ये सारे ही। ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं, लेकिन इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका डायनेमो। डायनेमो का आविष्कार करा था माइकल फैराडे ने। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन। सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट। टेलीविजन ग्राम बेल। टेलीविजन जे एल बेयर्ड। और टाइपराइटर पैली ग्रीन टेरी। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे। अभी कुछ टाइम पहले माइकल फैराडे ने कौन सी चीज का आविष्कार करा था, तो वो दोनों साथ साथ आप देख लेना। वॉशिंग मशीन फॉरले मशीन कंपनी। वेल्डिंग मशीन एलिसा ने। पनडुब्बी डेविड बुशनेल ने। मानचित्र सुमेरियनों द्वारा। प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन। और जेट इंजन फ्रैंक हिटर। सौर मंडल का आविष्कार किसने करा था, ये करा था कॉपरनिक्स ने। ग्रह की गति केपलर। और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है आविष्कारकों में, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब हम बात करते हैं कि भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, तो इसमें हम कवर करेंगे परमाणु की खोज किसने करी थी, जॉन डॉल्टन ने। परमाणु संरचना जो थी ये करी थी रदरफोर्ड ने। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकल ने। एक्स किरणें विलहेम रोंटेन ने। आवर्त सारणी मेंडेलिक ने। तैरने का नियम दिया था आर्किमिडीज ने। नाभिकीय रिएक्टर है आपका एनारिडो फर्मी। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं बात मात्रक एक गति एवं दूसरी पद्धति में परिवर्तन। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हम कहते हैं 1 इंच, 2 इंच, ये इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, और 1 फुट में होते हैं 0.3 मीटर, 1 मील में 1.60 किलोमीटर, 1 फैदा में होता है 1.8 मीटर। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो याद रखिएगा 1.85 मीटर। देखिए मैंने यहाँ पे फैदम के बारे में आपसे बात करी थी, 1 फैदम में 1.8 मीटर होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा फैदम के बारे में 1 फैदम में कितने फिट होते हैं, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा 1 फैदम में होते हैं 6 फिट, राइट।
और उसके बाद में हम बात करते हैं एक अश्वशक्ति से। पिछले वीडियो में मैंने ये सब डिस्कस करा था आपसे कि अश्वशक्ति क्या होती है, कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने जूल वगैरह होते हैं, तो जूल भी मैंने आपको बताया था उसमें। और ये भी अर्ग जो था आपका 10^-7, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं कराया इस वीडियो में। आप वो सब वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आपको हर चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में जो ग्राम होते हैं वो होते हैं 453। तो आपको ये सभी याद करने हैं अच्छे से। वर्ग गज में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 0.83 वर्ग मीटर। एक एकड़ में होते हैं 10^2 वर्ग मीटर। अब हम बात करते हैं फिलहाल एसआई मात्रक के बारे में कि कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक संकेत क्या होता है। तो यह है आपका एसआई मात्रक जूल और प्रतीक है इसका जे, ज्योति तीव्रता। ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई थी, इसका एसआई मात्रक अगेन रिपीट हो रहा है। सीडी इसका प्रतीक होता है और ज्योति तीव्रता एक्चुअली क्या होती है, लुमिनस इसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, ट्यूबलाइट, CFL जो अपने प्रकाश फेंकते हैं, आप कभी जाते हैं मार्केट में वगैरह वगैरह, वो छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी, तो ये आपको याद होगा अच्छे से। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उन सब वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी कहानी सुन क्लियर हो जाएगी कि किससे आप मार्केट में जाते हैं, आपको क्या चेक करना पड़ता है, ट्यूबलाइट के पीछे लुमिनस कितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं आवर्ती के बारे में। आवर्ती का ऐसे मात्रक जो है वो है हर्टेज, और पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक है आपका न्यूटन प्रति मीटर। तरंग दैर्ध्य का जो ऐसे मात्रक है वो है एंगस्ट्रम, राइट, एंगस्ट्रम। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप चेक करिए इस चैनल की प्लेलिस्ट, वहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। जी हाँ, वो बुक जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी की वीडियो इस चैनल पर बन चुकी है मैक्सिमम। और आगे भी ये काम चल रहा है, कंटिन्यू रेगुलर इसकी स्कैनिंग चल रही है। स्कैनिंग के बाद में हम उसे हाईलाइट करते हैं, फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, बहुत सारे वर्क इस चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक व्हाट्सएप के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, और जो भी आप नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं उनके थ्रू इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मैक्सिमम ग्रुप में सेंड करिए इसको। और सब्सक्राइब कर रखा है आपने ऑलरेडी और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो इस केस में आपको एक काम करना है कि आपने बेबी शेयर बेल आइकन पर क्लिक ना करा। अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं कराया तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जब भी कभी भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और आप अगर वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं, तो आप पेटीएम से के माध्यम से भी इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगेन आपसे कहना चाहूँगा, मार्केट जाकर फटाफट बुक को परचेज कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।